अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हना सूफी केयर्स। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स है, रैशेज है या एक्ने हो गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना कि आज मैं आपके लिए ब्यूटी हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके इन सारे प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाने वाले हैं होममेड ब्लीच। तो इस ब्लीच को बनाने के लिए मैंने चावल को रात भर पानी में सोख कर रखा हुआ था, भिगा कर। तो आप ये देख सकते हैं क्लाउडी वाटर हमारा फॉर्म हो गया, यही पानी हमें चाहिए हमारे ब्लीच बनाने के लिए। तो इस चावल के पानी को हम छान लेंगे। तो ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट है जो हमें ब्लीच बनाने में काम आने वाले हैं। ये हमारा चावल का पानी है, ये आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लावर जैसा कि आप देख सकते हैं, और एलोवेरा जेल। तो अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट को डालकर हमारा DIY होममेड ब्लीच बना लेंगे। ये जो ब्लीच है हमारा वो मार्केट के ब्लीच से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मार्केट का ब्लीच होता है, अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो उससे हमारा स्किन जो है वो जल जाती है या फिर डार्क स्पॉट हो जाते हैं, एक्ने, ब्रेकआउट, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस ब्लीच को यूज़ करने से ना ही आपके फेस के हेयर जो ब्राउन हो जाएंगे या ना फिर आपके स्किन पर कोई भी सेंसिटिव रिएक्शन होगा। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट को डालेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा राइस वाटर डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा एक थिक गाढ़ा पेस्ट ना रेडी हो जाए। हमें इसे ज़्यादा रनी नहीं करना है, थिक। इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है वो हमारे स्किन पर जो एक्ने वगैरह का ब्रेकआउट होता है, पिंपल हो जाते हैं, डार्क स्पॉट, रैशेज, जो भी हमारे स्किन पर प्रॉब्लम्स हो जाती है, उन तमाम प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी के साथ जो हमने इसमें राइस वाटर ऐड किया है वो भी हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में, ब्राइट करने में और स्किन को टाइट रखने में, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कितना स्मूथ ब्लीच बनकर रेडी हो चुका है। इस ब्लीच को हम अपने चेहरे पर पूरी तरीके से अप्लाई कर लेंगे और हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के हाथ से हमें इसे मसाज कर लेना है। याद रखिए, आप कभी भी कोई भी DIY रेमेडीज़ बनाएं, होम रेमेडीज़ बनाएं, उसके आप फेस पे अप्लाई करने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें, अपने हाथ पर अप्लाई करें और फिर ही उसके अपने फेस पर, कोई भी आप DIY रेमेडीज़ हो फिर उसे अपने फेस पर अप्लाई करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो किसी की स्किन पर वर्क करती है और किसी की ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो उन्हें रैशेज़ हो जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी DIY रेमेडीज़ करें तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो ये हमारा ब्लीच अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक का इसी तरीके से अपने फेस पर छोड़ देंगे और फिर धो लेंगे। तो इसी का जो सेकेंड स्टेप है वो है हमारा DIY सीरम, जो हमें हमारे ब्लीच करने के बाद हमारे फेस पर अप्लाई करना है। तो इस सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए कुकुम्बर। यहाँ पर मैंने कुकुम्बर का रस ले लिया है, मैंने ककड़ी को कद्दूकस कर लिया था, फिर उसे मलमल के कपड़े या कोई भी आपके पास कॉटन क्लोथ हो उसमें डालकर मैंने इसे निचोड़ लिया था। तो इस तरीके से कुकुम्बर का रस तैयार हो गया था। तो इस कुकुम्बर के रस में हम डालेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस सीरम को हमें ब्लीच करने के बाद हमारे फेस पर अप्लाई करना है ताकि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच खोपरे का तेल यानी कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे और हम इसी के साथ इसमें कस्तूरी हल्दी ऐड करेंगे। याद रखिए, हमें यहाँ पर कस्तूरी हल्दी ऐड करनी है, ना कि जो हमारे घर में होती है जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं वो हल्दी नहीं ऐड करनी, क्योंकि वो हल्दी अगर आप फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपको फेस में जलन शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कस्तूरी हल्दी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सीरम रेडी हो चुका है। तो ये जो हमारी सीरम की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही रनी है। इसी कंसिस्टेंसी का आपको भी बना लेना है और ब्लीच करने के बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले और फिर इस सीरम को आप अपने फेस पर अप्लाई करें और 10-15 मिनट के बाद धो ले, या फिर आप इसे अपने फेस पर ओवरनाइट भी रख सकते हैं अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। थी मेरी DIY होममेड ब्लीच की रेमेडीज़। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं ब्लीच को, और जो सीरम है आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इसे रोज़ रात में अप्लाई करके सो जाएं और फिर सुबह अपने फेस को धो लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।